नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अनिताज रूटीन में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशा करते एकदम मस्त और भले चंगे होंगे और अच्छी तरह से आप लोग अपना ख्याल रख रहे होंगे। ये वीडियो है 3 नवंबर दिन शुक्रवार का और समय हो चला है शाम के कम से कम बज रहे हैं 4। मैं गई थी मार्केट। मार्केट से आने के बाद मुझे बहुत थकान लग रही थी तो मैं सो गई थी 1-1.5 घंटा। तो फिर यहाँ पर आँचल ना उसको बहुत शौक़ रहता है कि कुछ बनाने का। जब मैं घर में नहीं रहती हूँ या फिर सोती हूँ तभी ये कुछ ऐसा करती है ताकि मम्मी को पता ना चले और अच्छे से कुछ बना के सरप्राइज़ कर दूँ। तो यहाँ पर वो पानी पूरी सारी रेसिपी बना ली थी और मुझे पता तक नहीं चला। मैं सो रही थी, मेरा मोबाइल लेके वो थोड़ा सा वीडियो भी शूट की थी दोस्तों। इतनी अच्छी पानी पूरी बनी थी, शायद मैं भी इतना अच्छा नहीं बना पाऊँ। बहुत बढ़िया सा इसका जो पानी होता है ना, एकदम बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनाई हुई थी दोस्तों, जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो फिर बनाने के बाद मुझे जगाई है, मैं आके खाई हूँ, बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। अगर आपको पानी पूरी की ये वाली रेसिपी की वीडियो चाहिए ना तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो मैं और आँचल एक दिन मस्त से बनाकर ये वीडियो अपलोड करेंगे। तो फिर यहाँ पर ना करवा चौथ के दिन जो मैंने साड़ी पहनी थी और फिर चुनरी था, तो फिर वो सब अभी तक ऐसे मैंने साइड में रखा हुआ था क्योंकि मशीन में डालती ना तो मशीन पूरा ख़राब कर देती। तो बस मैं इसको हाथ से धो रही थी और ये मेरा आसन है तो इसको भी मैं थोड़ा खंगाल के डाल दूँगी, सब सूख जाएगा। क्योंकि ये सब चीज़ें ना वॉशिंग मशीन में नहीं धोने रहता क्योंकि बेकार हो जाती हैं सारी साड़ी कपड़े, तो मैं ऐसा सब चीज़ हाथ से ही धो के डाल देती हूँ। तो 2 दिन हो गया था, आलस आ गया था और इन दोनों बहुत ज़्यादा थकान भी आ जा रही है, पता नहीं मौसम की वजह से या फिर वीकनेस चल रहा है उसकी वजह से, तो थोड़ा सा तो प्रॉब्लम चल रहा है। तो बस वही कपड़े वगैरह सूख गए थे तो मैं इनको निकाल के घड़ी कर लेती हूँ सारा उठा के। अभी दोपहर का मतलब कैसे शाम तो हो ही रहा है, काफ़ी टाइम हो गया था तो बस ये सब सारे कपड़े घड़ी करने में ही टाइम जाता है दोस्तों। अगर देखा जाए ना हमारा आधा टाइम कपड़ों के पीछे चला जाता है, धोना सुखाना घड़ी करना रखना फिर किसका सबका कपड़ा, बहुत मतलब ज़्यादा काम इसी में निकलता है दोस्तों। शाम को ना अनुज को बुखार आ गया, अचानक से खेल रहा था तो शाम का कोई भी वीडियो नहीं मैं शूट कर पाई, खाना बनाने का बना रहे तो कुछ भी नहीं, तो फिर नॉर्मल वैसे दाल चावल भाजी रोटी ही बनाई थी मैं। गाइस रात में ना अनुज की तबीयत ख़राब हो गई थी तो रात में कुछ काम नहीं हुआ, सारा किचन का काम इससे पड़ा है। ये अगले दिन सुबह का वीडियो है, शनिवार का दिन है तो फिर वहाँ से मैं वीडियो स्टार्ट की हूँ भाई। और पानी का भी टाइम हो गया है, अभी चला जाएगा, इसको भी भरना है तो मेरा 1 घंटे का मेहनत है। फिर नहाऊँगी मैं, रोटियां तोड़ के रखी थी कौओं के लिए तो आज कौए खाए नहीं हैं, पूरा ऐसे पड़ा है। बहुत टाइम लगता है सब चीज़ करने में, मतलब बिल का काम तो रोज़ नहीं रहता, कभी कभी निकलता है तो फिर कभी कभी रात में भी मैं निपटा लेती हूँ। बटन उसका तबीयत नहीं ठीक था तो मैं रात में नहीं की थी, तो इसके लिए अर्जेंट था तो मैं सुबह में बना के इनको दे दूँगी। इनके दुकान का जो बिल निकलता है वो मैं मुझे बनाना पड़ता है। तो बस ये सब काम निपटाने के बाद हो गया था काफ़ी टाइम, सब करते करते मुझे 9 बज गए थे। एक्चुअली वैसे भी लेट हो रहा था, इनको दुकान पे जाना है और बिस्तर वगैरह भी अभी पेरू वापस सारा फैला हुआ था तो फिर ये भी नहीं उठ रहे थे आलस में, बच्चे लोग उधर सोए हुए थे, अनुज स्कूल गया हुआ था। बस यहाँ पर मैं गई हूँ सीधा बाथरूम, नहा वहा के बस आ गई हूँ और यहाँ पर ना जल्दी जल्दी से सोच रही हूँ कुछ बना दूँ इनके लिए, क्योंकि ये भी नहाने चले गए थे तो फटाक से जब भी नहा के आ जाते हैं तो इनको तुरंत का नाश्ता चाहिए और खाना चाहिए, टिफ़िन चाहिए, तो इसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा। मतलब सुबह का टाइम ऐसा होता है ना कि मतलब पूरा टाइम 10 बजे तक ऐसा लगता है काम ख़त्म नहीं होता, करते जाओ। फिर कहीं जाके जब ये दुकान पे चले जाते तो वैसा लगता है थोड़ा फ्री माइंड होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ निमोना, मटर का निमोना आप भी जानते रहेंगे जो हमारे यूपी की फेमस है और हमें तो बहुत पसंद आती मेरी पूरी फैमिली को। बस यहाँ मैंने वटाने को छीला था ना उसको मैंने मिक्सी कर दिया, थोड़ा सा ग्राइंड किया है, ज़्यादा नहीं, मतलब पिसा जाता है, एकदम बारीक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दरदरा रहते ना तो उसका टेस्ट बहुत अनोखा आता है। बस यहाँ पर मेथी और जीरा का तड़का लगाऊंगी मैं। हमारे गांव में ना कोहड़ौरी बनती है लेकिन वो अभी बना नहीं है, मैं यहाँ बनाती हूँ थोड़ा बहुत। उसका जो तड़का होता है ना
बहुत अच्छा होता है निमोना के लिए। अक्सर हम लोग निमोना के लिए उसको बनाते हैं, निमोना की सब्ज़ी जब बनाते हैं ना तो उसी से तड़का लगाते थे, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मेरे पास वो नहीं है। तो यहाँ पर इससे भी सब्ज़ी बहुत बढ़िया बनती है निमोना। तो यहाँ मैंने मटर को डाल दिया है तेल में अच्छे से फ्राई होने के लिए। जब तक अच्छे से फ्राई नहीं होता ना तब तक मसाले वगैरह नहीं डालती मैं। बस यहाँ पर मैंने दो आलू लिया था, आलू को उधर काट के डाल दूँगी थोड़ा सा। इसे वटाना का सीज़न नहीं है ना, विदाउट सीजन वाला जो होता है उसका टेस्ट भी थोड़ा सा कम आता है। अभी जब सीज़न आएगा ना, जो मटर आएगी सीज़न वाली, उसका जो टेस्ट का निमोना बनता है ना बहुत ही स्वादिष्ट बनता है और बहुत ही बढ़िया बनता है। तो फिर लेकिन इसमें भी टेस्ट है, तो फिर बस वही आलू डाली, उसमें सिर्फ हल्दी डालूंगी, थोड़ा सा आधा चम्मच मैंने गरम मसाला मिलाया हुआ है। वैसे नहीं मिलाएंगे ना तो भी बहुत बढ़िया सब्ज़ी बनती है इसकी। इसको मैं बनाने वाली हूँ सिर्फ हरे मसाले में, मैंने आधा चम्मच ही गरम मसाला मिलाया हुआ है। और हल्दी डाल के मैं इसको छोड़ देती हूँ स्लो आँच पे, भूनता रहेगा अच्छे से। बीच बीच में इसको चलाती जाऊँगी और भूनता रहेगा। बस यहाँ पर मैंने लिया दो मिर्ची, अदरक का टुकड़ा, 4-5 कली लहसुन। लहसुन मेरा जो कली है ना बहुत बड़ा बड़ा था, इसीलिए मैंने 2-3 लिया है। और आप अगर ऐसे आप बना रहे हैं तो कम से कम 8-10 कली तो लेना है आपको। और 2 टमाटर और धनिया जितना था ढेर सारा मैंने डाल दिया है। बस इसको मैं पीस लूँगी और यहाँ मैं थोड़ा चलाती जाऊँगी ताकि ये अच्छे से जो मटर है ना अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए ना थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का लाल हो गया, भुन गया है अच्छे से। बस मैंने यहाँ पर जो मसाले थे मैंने सारे पीस लिए हैं, बस इसे मैं डायरेक्ट डाल दूँगी मैं। और ये जो मसाले हरे मसाले होते हैं ना, इनको ज़्यादा फ्राई नहीं करना रहता तेल में, क्योंकि ये जब फ्राई करते हैं इनको जो हरापन होता है वो निकल जाता है पहली बात, और दूसरी बात जो धनिया पत्ती की जो स्मेल आती है, खुशबू आती है ना, वो निकल जाती है। इसके लिए इसको मैं फ्राई नहीं करती, बस थोड़ा सा खाली मिक्स किया है सब्ज़ी में। बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है पानी। दोस्तों जब कभी भी बनाएं ना आप हरे मसाले की सब्ज़ी तो मसाला भूने नहीं, जो हरा मसाला आप डालते हैं ना कभी भी भूनना नहीं चाहिए, डायरेक्ट डाल दीजिए आप। बस पानी डाल दिया मैंने, इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। इसमें धनिया वगैरह कतरन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस यहाँ पर मैंने डाल दिया है अपने हिसाब से पानी, और ये पकेगा तो थोड़ा कम तो हो जाएगा। और यहाँ पर डाल दिया मैंने स्वाद अनुसार नमक। ये जो सब्ज़ी बनती है ना दोस्तों, मेरे हस्बैंड जी को तो इतना पसंद आती है ना चावल के साथ खाने में, उनको मतलब अगर मिल गया तो वो चावल और ये बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा रोटियाँ बना ली थी, बस सर्व करके आपको दिखाती हूँ। और मैंने दही जमाया हुआ था रात में, तो भी बहुत अच्छी दही जम गई थी। तो इसके साथ में दही बहुत पसंद है मुझे तो, निमोना के साथ में दही हो। और बस ये था आज की मेरी लंच थाली, ये मैं टिफ़िन में भी देने वाली हूँ इनको, इनका टिफ़िन पैक करूंगी। लेकिन मैं बोली आपको सर्व करके दिखा देती हूँ। बस यही था निमोना, तो बहुत ही महक, मतलब इतना अच्छा महक आ रहा था ना मेरी बिल्डिंग का जो मेरा फ्लोर है, तो सबको पता चल गया रहे कि आज इनके घर में निमोना की सब्ज़ी बन रही है। ये रही थाली, कभी भी आप बनाए ना तो बहुत अच्छी बनती है। बस यहाँ पर उनको टिफ़िन दे दी थी, वो चले गए थे, यहाँ पर बना ली थी मैं चाय। और क्योंकि सुबह में तो अभी तो मैं वैसे ही पड़ी हूँ, चाय भी नहीं पी थी, बच्चे लोग तो अभी सो के उठे हैं, वो लोग भी ब्रश करके रेडी हो रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना लिया है उन लोग के लिए भी और अपने लिए भी। बस अब थकान तो लग रही है दोस्तों, क्योंकि सुबह से उठी थी, बस कुछ ना कुछ किए जा रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ, आराम से कुर्सी पर बैठ कर चाय पीऊँगी और इन्जॉय करूँगी, और इसके बाद थोड़ी देर तो रेस्ट करूँगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।